हमारा विद्यालय जूनियर हाई स्कूल शिवपुर, इस समय कुछ बच्चे स्टोन पर पेंटिंग कर रहे हैं। ये स्टोन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हम नदियों के किनारे से लाए थे कुछ बच्चों को साथ ले जाकर, और यहाँ पर कुछ दिनों से लगातार बच्चे थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा निकाल कर पेंटिंग करते हुए बच्चों से बातचीत करेंगे। ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं, ये रोशनी बना रही है। रोशनी, कौन सी ड्राइंग बना रही हो? ये है मतलब पानी का है। पानी बचाओ, वेस्ट मत करो, पानी को वेस्ट मत करो। हाँ, पानी को वेस्ट नहीं करना है। एक बड़ा अच्छा सा सिंबल दिखाई दे रहा है यहाँ पर। एक पैसे को एक कहानी सुनी है हमने, उसी को आधार लेकर बच्चे बना रहे हैं, और कई सारे चित्र हमने नेट से निकाले थे उसी की सहायता से बना रहे हैं। और इधर ये ब्यूटी, और एक ये शैडो का चित्र आप देख रहे हैं। एक छोटी सी लड़की खड़ी हुई है, रात के अंधेरे का सीन है, और कुछ बच्चों ने अभी ड्राइंग अभी पूरी करी है। ये पत्थर जो पहले बिल्कुल निर्जीव थे, अब इनमें रंग से एक जान सी आ गई है। और ये हमारी अर्पिता जो स्टूडेंट है, अर्पिता इस पे क्या बनाना है तुमको? पांडा। पांडा बनाओगी? हाँ। अर्पिता जो कि अभी स्टेट लेवल पर ड्राइंग में थर्ड लेवल पर आई है, उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है और बहुत सारी ड्राइंग में बच्चों को भी हेल्प करती है। और कुछ ड्राइंग जो बच्चों ने अभी तैयार कर रखी है उसको दिखाते हैं, और कुछ का बेस बनाना है। और ये टायर से हमने अभी कुछ और चीज़ तैयार करनी है, इस पर हम इको क्लब सीपी लिखवाएंगे और एक बार आनंदम का लोगो बनवाएंगे। ये बच्चे अपने हाथ से खुद कर लेंगे। और कई सारे चित्र हमने जो नेट से निकाले हैं, चित्र आप देख सकते हैं यहाँ पर, इन्हीं चित्रों की सहायता से बच्चे स्टोन पे पेंटिंग कर ले रहे हैं। और जो कुछ पेंटिंग बच्चों ने तैयार कर ली है, ये क्या है पांडा? डोरेमोन। अच्छा, डोरेमोन है। और भी इधर कई चित्र हैं, और जो चित्र बच्चे तैयार कर चुके हैं उनको देखते हैं हम। यहाँ पर छोटे छोटे पत्थर भी हैं, कुछ बड़े पत्थर भी हैं। बड़े पत्थर पर अब एक घोड़े की शैडो देख रहे हैं, और यहाँ एक हरा भरा वृक्ष है, और खिले हुए फूल, उगता हुआ सूरज, और सायंकाल में उड़ती हुई चिड़िया। ये सारी सारी पेंटिंग बच्चों द्वारा की गई हैं। और बच्चों का प्लान है भी और भी बहुत सारे पत्थर लाकर यहाँ पर हम और भी बहुत सारी पेंटिंग्स करेंगे, ताकि स्कूल का जो इको क्लब का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा हो सके।